अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अली के बर्थडे का व्लॉग। आई नो आपको बहुत वेट करना पड़ा इसके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और मुझे ये भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से आपको थोड़ा बोरिंग कॉन्टेंट मिल रहा था मेरे चैनल पर, लेकिन बस अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है और अब हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। आज तक मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ और इतनी सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। खैर, अभी अली का बर्थडे है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बर्थडे बॉय यहाँ पे रेडी हो रहा है और हमने अली का बर्थडे जो है ना उसी दिन ही सेलिब्रेट किया था जो एक्चुअल डे था उसका। ये अलग बात है कि आपको बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग देखने को मिल रहा है और ये भी मैं बताऊँगी कि क्यों हुआ ऐसा। अली का बर्थडे जो है वो 19th दिसंबर को होता है और अभी पूरा वीक गुजर चुका है इस बात को। वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ कोलैबोरेशन थी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, जो कि आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा लास्ट वीक। तो प्लान मैंने इस तरह से नहीं किया था, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि मुझे बैक टू बैक जो है ना वो सारी वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ी। बहुत से लोग अपसेट भी हो गए थे इस वजह से और मुझे तरह तरह के कॉमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे कि आपके चैनल पर तो अब हमें सिर्फ एड्स ही देखने को मिलते हैं। तो मैं टोटली अग्री करती हूँ आपकी बात से, मैं कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगी। वैसे भी ये बर्थडे व्लॉग है तो इसमें गिले शिकवे जो है ना हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं वैसे सोच रही थी कि एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। तो जो भी शिकायतें हैं आपको या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करूंगी और बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना हम ये सब करेंगे, तो उसका वेट करना आपने। दिल तो मेरा वैसे बहुत कर रहा है कि मैं अभी ये नए काम कर लूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। मेरे अंदर जो भी बात चल रही होती है, मैं जो भी फील कर रही होती हूँ ना, मैं वो बात करके तो क्लियर कर देती हूँ। मेरे लिए प्रिटेंड करना जो है ना वो मुश्किल होता है, या यूँ समझे कि मैं करना नहीं चाहती। तो जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो मेरा, मैं उसके साथ जो है ना वो शेयर करके उसे क्लियर कर देती हूँ और फिर मैं लाइट फील करती हूँ। और आप लोग तो वैसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अली का बर्थडे जो है वो एक वीक पहले ही उसे विश करना शुरू कर दिया था। होता है ना कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा प्यार लेता है। तो आई नो कि आप मेरे तीनों बच्चों से ही बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अली माशाल्लाह से लकी है कि उसको एक्स्ट्रा प्यार मिलता है हर एक की तरफ से। इवन के अमान और आयतल भी उसे बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह से। और आपको इस वीडियो में ना ये सब देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स जो है ना वो एज इट इज़ रखे हैं। जिस तरह से हम लोग आपस में बातें कर रहे थे या जो भी नेचुरल चल रहा था एक सीन, वो मैंने एज इट इज़ जो है ना इसमें रखा है ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। खैर, यहाँ पे बर्थडे की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और एक लास्ट गिफ्ट रैप करने वाला था तो वो भी मैंने जल्दी से कर दिया था। अली यहाँ पे अपने कार्टून्स एंजॉय कर रहा था और ये रही बर्थडे टेबल जो हमने इस तरह से डेकोरेट की थी। तो मेकअप भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था और ठीक ठाक किया था। लेंस मैंने न्यू ट्राई किए थे तो बहुत ही लाइट शेड था। पहले मैंने सोचा कि चेंज करती हूँ, लेकिन मेकअप ख़राब होने के डर से ना मैंने फिर चेंज नहीं किए। यहाँ पे अब सब रेडी है, सिर्फ बर्थडे केक का वेट हो रहा है जो कि अली के डैडी लेने गए थे। और मैं आपको सारा सेटअप दिखा देती हूँ। ज़्यादा लाइट्स ही लगाई थी मैंने, किचन में भी हर जगह ही लाइट्स लगाई थी जो भी मेरे पास रखी थी। अच्छा, गिफ्ट्स जो है ना वो अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान से अली के ताया ने स्पेशल गिफ्ट भेजा था उसको। उसके अलावा अली की दादो, उसकी नानों की तरफ से भी स्पेशल गिफ्ट था। और सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स जो है ना वो अमान ने दिए थे अली को, या यूं कहें कि अली ने फोर्सफुली लिए थे अमान से, और जितने उसने कहे थे ना अमान ने उससे ज़्यादा उसको दिए हैं। बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ना तो ये लोग सेव करते हैं और उन्हीं से ही फिर ये गिफ्ट लेते हैं। तो अल्लाह इनका प्यार इस तरह से ही सलामत रखे, आमीन। यहाँ पे अब बर्थडे केक भी आ चुका है इवेंचुअली और अली से हमेशा की तरह वेट नहीं हो रहा, तो वो फिंगर से जो है ना लाजमी टेस्ट कर लेता अपना केक। तो चलें फिर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं अली के बर्थडे पार्टी में और हम केक कट करते हैं। For you, one for Aichal, one for Aman, and one for Mommy. One for you. I give it to you. Okay, put down over there. Okay, wait. Okay. Thanks, Mom. Okay, that's for Ami. Oh, Ami. Stand up.
Stand up. That's what I mean. Whoa. Okay. Nano. Oh, from Nano. Say thank you, Nano. Thank you, Nano. Thank you, Mommy. That's what I got. Yeah, it's the stadium. Okay, put down here. Okay. Yellow. And that's from Daddy and Mommy. That's for Daddy and Mommy. Hey, why you is like it both for your gift? Because Daddy and Mommy is one more gift. See, Baba sent it from Pakistan. Okay, thank you, sir. Thank you for Baba. Thank you, Baba. Look thank in the you, camera. Mama. Look in the camera and thanks for Baba. Baba thank and you, Tai. Mama. And Tai. Look. Thanks for Tai. Thanks, Tai. Look thank in the you, camera. Baba. Thank you, Tai. Thank you, Tai. Okay, 1, 2, 3. Wow. What is this, Ali? It's magnet. It's magnet. Magnets? You yes, like it? Yes, it's shaped magnets. You like it? You collect the magnets. Yeah. Combine the magnets together and make these things. Picture. You like it, Ali? Come on. Let's go. Ready? This might be Ami's gift. Ami's gift? Yes. What's inside? Thank you to Ami. Thank you, Ami. Okay, next. Which one you want to open now? Oh, Aman. Wow, Aman, itne sare gifts diye hain. Aman, this is my fifth. This is the best. Okay. Help us. Oh, Baba, show me. Show Baba me. Baba, thank you to bolo. Thank you, Baba. You like it? Yes. Okay, next. Okay, next. Okay. Nano! 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 Thank you for Nano. Thank you, Nano! Take bad with you. What was Ami's gift? It's like your order. Wow, okay, next. Ali, it's not good, yeah? Hey! Wait. Oh, I know! You, I know! Yes! Thanks, I know! Can I see on the back? Yeah. Can you show me? Go on the front. Wow! Aita, look at that. Ali, how many gifts did Aman give you? I don't know. So many? Show me, Ali. Aman gave me. Show me. Okay. What is this? A stadium. What is this? That's a stadium? Yes, that's a stadium. Wow. And Aman, you gave me 5 gifts. Wow. That's good. Welcome. What is this? For you and Mom. What is it? What is this? Oh, it's a Car Wheels car. Can you show me? Yes. Wow. Oh, wait, can I open one of them? No. Open. 1 second. Daddy. Oh, Daddy, give it to you. What is this? Wow. And okay. What's that, Ali? Daddy. Oh, Daddy? What is this? chocolate milk. Ali, that's the chocolate milk. You Whoa, like it? Mom, you can you show me? Milk? Can Mom, you show me? Yeah. Okay, that's the chocolate milk. Okay, third one? It's cookies. Daddy. They are okay. Bonus. Daddy, bonus. Can you show me? Can you show me? Oh wow, Ali. 1, 2, 3. Which one you like it? This one. You like the chocolate milk, Ali? Yes. Oh, thank you. Happy birthday. Which one is your favorite? Can I pick 2? Fine. Yes. Okay, tell I me. I like this one and this one. And not mine? Oh, I love yours and Nano's too. And Aito's. Okay. And which one you first open? This one. Who gave it to you? Ami. Ami. I know how to open it. What's that, Ali? A Baku gear. Okay, I want to do this by myself.
सा। तो जनाब केक कट करने के फौरन बाद हम लोग आ गए थे सर्च, जो कि एक ट्रैम्पोलिन पार्क है और यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छी बात ये थी कि ये आज बिल्कुल खाली था, मंडे था ये, और इसलिए शायद जो है ना इस टाइम बहुत ही कम लोग थे। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया यहाँ पे, और कुछ स्लो मोशन में भी मैंने लिए थे क्लिप्स, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैं सोच रही थी कि जब अली बड़ा होके ये व्लॉग देखेगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना, या हम लोग भी देखेंगे तो कितना अच्छा फील होगा हमें, क्योंकि जो टाइम हम गुजार रहे होते हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती उस टाइम। लेकिन कुछ सालों के बाद जब हम उसे रिकॉल करते हैं या कोई वीडियोज़ देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो हम उसी टाइम में वापस चले जाते हैं और उसकी बहुत वैल्यू होती है फिर। तो मैं भी बच्चों के पुराने पिक्चर्स देखती हूँ ना, कुछ साल पुराने, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, अभी बैकग्राउंड में आपको एक अजीब सा शोर आ रहा होगा, वो एक्चुअली हमारे बैकयार्ड में ना ग्रास कट करने के लिए आए हुए हैं, तो उस मशीन का शोर है। तो अगर मैं वेट करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा और व्लॉग जो है वो लेट अपलोड होगा, इसलिए फिर मैं इस शोर के साथ ही बाकी का वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आई होप कि जल्दी से ये मशीन बंद हो जाए। अच्छा, यहाँ सर्च में मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं मसाजिंग चेयर जो है वहाँ पे बैठूँ, थोड़ा रिलैक्स करूँ, लेकिन इतना रश होता है यहाँ पे कि एक भी चेयर यहाँ पे फ्री नहीं होती। और आज लकीली यहाँ पे सभी फ्री थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ गए थे और हमने कोई 5-10 मिनट जो है वो खूब मसाज लिया। उसके बाद हम फौरन आ गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम केक कट करने के बाद जो है ना सीधे रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पे जाके लंच करेंगे, लेकिन लंच हमारा स्किप इस तरह से हुआ क्योंकि बच्चों ने जंपिंग करनी थी, तो खाना खाने के बाद अगर वो जंपिंग करते तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए पहले इनको सर्च लेके गए, वहाँ पे 1-2 घंटे लग गए थे, और उसके बाद हम यहाँ आए। तो अब डिनर का टाइम हो रहा था, तो ये हमारा लंच प्लस डिनर था, तो हमने अच्छे से ऑर्डर किया और खूब खाया, तो अच्छा खाना था, मज़ा आया हमें यहाँ। रास्ते में हल्की सी रेन भी हो रही थी जिसकी वजह से अच्छी खासी ठंड हो गई थी। लास्ट वीक तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना इट्स लाइक फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। आपने न्यूज़ में शायद सुना ही होगा कि अमेरिका में अभी स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टेट में भी अच्छी खासी ठंड हो गई थी। आप लोग बताइएगा कि आपकी कंट्री में कैसा वेदर है, ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे घर वापस, और घर जाके सबसे पहले तो अली ने सारे गिफ्ट्स ओपन किए, क्योंकि पहले उसने अनरैप किया था लेकिन प्रॉपरली उनको ओपन नहीं किया था। और ये है अली का लास्ट बर्थडे गिफ्ट, तो ये कप जो है अली के डैडी ने ही उसको दिया था, और साथ में ये चॉकलेट फ्लेवर भी आपने देखा ही होगा गिफ्ट्स में। तो एक्चुअली ख़त्म हो गया था इसका चॉकलेट फ्लेवर, तो उसके डैडी जो है ना वो ले आए और उसे भी रैप कर दिया। आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं तो ये लोग लेट ही सोते हैं, तो खूब सारा खेलने के बाद ये लोग भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, और आपकी तरफ भी अगर रात हो रही है तो आप भी सो जाएं। और सोने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अब कर दें, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।